अब हम करेंगे देसी ज्ञान की बात, नींद कैसे भगाएं। देखो बेटा, नींद आती है आलस से, आप ये बात मानते नहीं मानते। आज सबसे पहले वजह ढूंढते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए मैम के साथ, ठीक है? क्या वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। अरे भाई, इंसान है, हर चीज पे वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। चलिए आइए, सब क्लास में इंटरेक्ट करें मैम के साथ। सबसे पहले तो आज वजह ढूंढेंगे कि आके नींद आती क्यों है इतनी, ठीक है? तो नींद का पहला वजह जो लगता है वो है आलस, ठीक है, बोरियत। देखो कितने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे बच्चे, आलस, ठीक है। दूसरा रीजन बच्चे बता रहे हैं कि बोरियत, ठीक है। और बताओ, और बताओ, डिस्कशन करते हैं बेटा, फिर बढ़िया आंसर निकल के आते हैं, फिर हम इनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। लेजीनेस, खाना, फूड, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसके इलाज ढूंढते हैं। अब इलाज क्या है? अनीमिया। अरे बेटा, इतना साइंटिफिक क्यों जाना है, इतना साइंटिफिक, मन नहीं लगना। हो, ये सबसे जबरदस्त था, मन नहीं लगना, इसी भाषा में भी लिखे हैं बच्चे, ठीक है। यस, अब आते हैं इसके ऊपर, क्या कि ये सारे रीजन जो है इनको कैसे भगाएंगे, हमें नींद आता है, नींद भाग जाए हमें, ठीक है। सबसे पहला रीजन क्या होता है, मैंने जितना देखा है नीट एस्पिरेंट्स को, वो इतने बच्चे नालायक होते हैं, हर टाइम अलार्म लगा के रखते हैं फोन में। ऐसा आपके साथ जरूर होगा, आई थिंक 90% बच्चे, यहाँ पे हर बच्चा अलार्म लगा के रखता है, कम से कम 150 अलार्म रहते हैं उनके फोन में। इसका पोल ले लेते हैं, येस और नो, क्या आपके फोन में भी हमेशा अलार्म लगा रहता है, ऑलवेज 2 घंटे बाद का, 3 घंटे बाद का, सोने जब आप सोने जा रहे हैं तब 3 घंटे का अलार्म लगाएंगे, है ना? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फोन में हमेशा ही अलार्म लगा रहता है, अगर 10 बजे सोने जा रहे हैं तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएंगे। यस, ये रहता है, ये बच्चों का बहुत रहता है, मैंने तो कोटा में बच्चों को देखा हुआ है। यस, तो बेटा एक तो ये होता है अलार्म सिस्टम, मतलब तुम्हें हर चीज का अलार्म, खाने के खाना खाने जा रहे हो तो 20 मिनट का अलार्म, 20 मिनट बाद वापस मंडे बैठे। बट सच सा बताओ, अगर मान लो तुम 10 बजे सो गए तो क्या तुम सच में 4 बजे उठ जाओगे? है, अगर अलार्म भी बज गया, चलो पै पै पै, सच में 4 बजे उठ जाओगे? कोई नहीं उठता, मैं ही नहीं उठती। कम से कम 4:30 5:00 बजा ही दोगे, कम से कम 4:30 5:00 हर बच्चा बचा ही देता है, कम से कम बता रही हूँ। उसके अलावा भी कुछ लेजेंड्स होते हैं जो अगले दिन के 4 बजे उठते हैं, दिन के 4 बजे उठते हैं। तो पहले तो बेटा अपना जो अलार्म सिस्टम है ना, इसको कम करो, इसका जो स्नूज है वो कम करो, क्योंकि आप इतना स्नूज पे डाल देते हैं कि बेसिकली आप सो रहे हैं, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो एक ऐसा तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कितनी देर की नींद चाहिए। हर इंसान का एक टाइम होता है कि उसे इतनी देर की नींद चाहिए चाहिए, ठीक है। यस, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कम से कम 8-9 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। मेरे पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कई बार, जब काम नहीं होता, क्लास नहीं होती, तो बेटा मैं कम से कम 13 से 14 घंटे भी एक स्ट्रेच में सो जाता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है सोना, इट्स माय फेवरेट हॉबी, ठीक है। मैं बहुत सोना पसंद है मुझे, तो हर इंसान का एक टाइम होता है कि उसे कितनी देर सोना पसंद है, तो आपको पहले एनालाइज करना होगा। और प्लीज उतनी देर के बीच में अलार्म मत घुसाया करो, इसको तो मत ही घुसाया करो। अगर आपको पता है कि आपकी 6 घंटे में आपकी बढ़िया से नींद पूरी हो जाती है, या 7 घंटे में, 7 आवर्स में, तो बेटा प्लीज अलार्म लगा के ना अपनी नींद की बैंड में बजाओ। अगर आपने बैंड बजा दी तो आप पूरा दिन नींद में रहोगे, क्योंकि हर इंसान का एक स्पैन होता है सोने का। सो डोंट डिस्ट्रॉय दैट, टेक वन स्ट्रेच स्लीप जिसमें आप इंश्योर करोगे आपके दिमाग में, हाँ मैं अच्छे से सो गया, मैं अच्छे से दिन भर काम करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि अलार्म कम करो और एक बढ़िया नींद लो, उसके अलावा पूरे दिन पढ़ाई करो, आराम से पढ़ाई होगी, फिर तुम्हें टेंशन में लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बोरियत। बेटा बोरियत आती है जैसे आप इकोलॉजी, मतलब कहीं ना मेरा मन करता है इन सारी हाईलाइट सीरीज में खड़े खड़े क्या चल क्या रहा है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, बच्चे क्या कहेंगे, मैम रीडिंग करके चली गई। मेरे को कई बार कमेंट से डर लगता है कि बच्चे ये ना करे, अरे मैम क्या आप रीडिंग कर रहे हो, समझाने कुछ है नहीं कॉलेज में, गंदे जोक्स मारो यार, तो गंदे जोक्स मारो तो डर लगता है कि कहीं पढ़ाती नहीं है, मजाक करती है, ठीक है। रीडिंग करो तो डर लगता है कि अरे यार बोलते कि रीडिंग कर रहे हैं, मतलब यार मतलब इकोलॉजी अलग ही खेल है। तो बट मुझे फिर ये लगा कि अगर मैं इकोलॉजी नहीं कराऊंगी तो आप लोग भी नहीं करोगे, आपको बोर लगता है। देर आर फ्यू चैप्टर्स जहां आपको लगता है कि बोर चैप्टर्स है, ठीक है, बट कुछ चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगते हैं जो आप हमेशा पढ़ना चाहते हो, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया। चैनल की एक वीडियो जो 2 लाख क्रॉस किया वो सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो है, मतलब इसे पता लगता है कि इंटरेस्ट बच्चों का किस किन किन चीजों में है, सबके सब नालायक गधे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो बोरियत वाली चीजें होती है ना, इसको ना आप साथ में ग्रुप स्टडीज भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, जैसे जानवी है, जैसे नशीत है, वो दोनों ने कॉलेज के चैप्टर पढ़े सेम, फिर आपस में क्वेश्चंस पूछे, चल बता कि प्रिकली कैक्टस का किस चीज में एग्जांपल दिया है, कौन से पेज नंबर पे दिया है। तो ऐसे चैप्टर्स जहां पे आपको लगता है कि रट्टाफिकेशन है, तो 2 फ्रेंड्स आपस में सुबह टारगेट बना सकते हैं, फिर आपस में सवाल पूछ सकते हैं, तो इससे क्या हुआ, आप टारगेट बेस करेंगे और फिर आप जब सवाल पूछे ना तो यू इंजॉय, क्या मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इंसान अपनी बेइज्जती से बहुत ज्यादा डरता है, उसको लगता है कि यार मैं नीचे ना आ जाऊँ कहीं, तो इसमें क्या होगा कि आप मजा भी करेंगे प्लस आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा। तो जैसे ही चैप्टर होते हैं आप उनको ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यस बिल्कुल, तो यू कैन डू दिस इवन इफ यू आर नॉट फ्रेंड्स, जस्ट बी गुड पीपल, ठीक है। यस, तो अब आते खाने पे। बेटा प्लीज यार छोले पूरी थोड़ा अवॉइड करो, मैं तो खा खा के तंदुरुस्ती की तरफ जा रही हूँ, तुम लोग अवॉइड करो। वेट से मैं तुम्हें बता रही हूँ, पीसीओडी के बहुत चांसेस होते हैं बच्चों के, वो सब भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मन नहीं लगना, मन ना लगने का मेजर रीजन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स ये बोरियत से ही रिलेट होता है, सो डोंट डू दैट। तो ये सब चीजें आप करो यार, मुझे लगता है काफी एंजॉयमेंट देगा और आपकी नींद को कंट्रोल भी करेगा, ठीक है।